हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ईस क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर थर्टीन नेचुरल रिसोर्सिस नाउ फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सिस तो बेटा द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर यानी जो प्रकृति से हमें रिसोर्सिस मिले हैं या तुम कह सकते हो जो भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सिस कहते हैं और रिसोर्स होते हैं संसाधन तो वॉट आर रिसोर्सेज The things that are useful to us, like water, soil, trees, forest, these all are natural resources that we get from nature. Okay. Without these things, we cannot survive or we cannot live. Now, we will read Our earth is blessed with a huge amount of natural resources, such as water, air, sunlight, soil, mineral, vegetation, forest, animal, and अ वाइटी ऑफ अदर थिंग्स बेटा हमारी अर्थ को आशीर्वाद है बहुत सारे ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे वाटर बहुत ज़्यादा है एयर है सनलाइट बहुत ज़्यादा है सॉयल मिनरल्स वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे फॉरेस्ट जंगल एनिमल्स और वराइटी वराइटी मतलब अलग अलग तरह के और चीज़ें थिंग्स अदर थिंग्स जैसे स्टोन है ठीक है तो ये सारी चीजें हमारी अर्थ में बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये सारी चीजें क्या है दीज ऑल आर नेचुरल ये सारी चीजें क्या है नेचुरल रिसोर्सिस वी डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल हम इन पर निर्भर हैं सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए इफ वन ऑफ दीज गेट्स अफेक्टेड और डिप्लीटेड इट्स अफेक्ट कैन बी फेल्ट बाई अस प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल मतलब बेटा अगर इनमें से कोई एक प्रभावित हुई या डिप्लीट हुई या कम हो गई या खाली हो गई या खत्म हो गई इनमें से कोई भी एक चीज एक रिसोर्सेस तो उसका असर हमें महसूस होगा हमें भी महसूस होगा साथ में प्लांट्स और एनिमल्स को भी महसूस होगा ठीक है नाउ दिस दीज फिलअप्स दिस ट्रू फॉल्स आई विल सेंड यू यू डू फ्रॉम दैट नाउ वी विल रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स नाउ यू नो वॉट आर नेचुरल रिसोर्स द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स एंड रिसोर्स आर थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस वी कैनॉट लिव विदाउट दिस थिंग्स है ना तो रिसोर्स इज अ स्टॉक और सप्लाई ऑफ थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस रिसोर्स क्या है भंडार है या सप्लाई मतलब जो चीजें उपलब्ध हैं वो हैं चीजें थिंग्स मैनी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हैं किसके लिए उपयोगी है हमारे लिए थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर एंड कैन बी यूज अस आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज वो चीजें जो हमें नेचर से मिली हैं और जो जिनका हम यूज कर सकते हैं जिनका हम यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं अब इसके एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे तो प्लांट्स वुड सॉयल वाटर ये सारे क्या हैं नेचुरल रिसोर्सेस इसके अलावा फॉरेस्ट भी हो सकता है एनिमल्स भी हो सकता है स्टोन भी हो सकते हैं तो ये सारे क्या हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी ने हैं वी यूज दिज रिसोर्स टू क्रिएट अदर रिसोर्सिस विच आर नोन एज आर्टिफिशियल रिसोर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम और रिसोर्सिस क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं मतलब मैन मेड रिसोर्स जो हम रिसोर्स खुद अपने हाथों से बनाते हैं इन रिसोर्स का यूज करके उसे आर्टिफिशल रिसोर्सिस कहते हैं ठीक है जैसे बेटा सॉइल का यूज़ किया सॉइल क्या है नेचुरल रिसोर्स सॉइल यूज़ करके तुमने पॉट बना दिया मटका बना दिया तो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल रिसोर्स ऐसे ही हमने वुड वुड लिया वुड क्या है नेचुरल रिसोर्स वुड से हमने सोफा बना दिया बेड बना दिया वो क्या है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ठीक है तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आर्टिफिशियल रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं बना देते हैं अब इसके एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक

रिसोर्स दैट दे यूज व स्टोन सबसे पहले उन्होंने कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल किया था स्टोन का कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल किया था स्टोन का अब दो क्वेश्चन बन गए बेटा वॉट आर नेचुरल रिसोर्सेज वॉट आर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एंड वॉट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट ठीक है तो ये क्वेश्चन बन गए इसमें इनके आंसर है इस पैराग्राफ में ठीक है नाउ वी विल रीड फर्दर अब हम आगे पढ़ेंगे अर्ली मैन मेड वेपन्स फ्रॉम स्टोन एंड यूज देम फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड हंटिंग तो अर्ली मैन स्टोन्स का इस्तेमाल कैसे करते थे वो उससे वेपन्स बनाते थे वेपन क्या होता है बेटा हथियार हथियार बनाते थे जिसका इस्तेमाल वो करते थे अपनी प्रोटेक्शन यानी अपने बचाव के लिए और हंटिंग शिकार करने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए तो पहले तुमने सुना बेटा आदि मानव कहाँ रहते थे जंगल में रहते थे जंगल में जंगली जानवर भी थे तो उनसे बचने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और प्लस वो तुम्हें पता है मांस खाते थे कच्चा मांस तो वो शिकार किससे करते थे वो भी स्टोन यूज करके करते थे लेटर दे लर्न टू दी स्टोन टूगेदर टू मेक फायर बाद में लेटर मीन्स बाद में उन्होंने स्टोन को रब करके स्टोन को रगड़ कर आग जलाना सीखा इवेंचुअली दे डिस्कवर मेनी मोर यूजिंग डैम टू फुलफिल देयर एवरी डे नीड्स फिर उसके बाद इवेंचुअली बिट्ट अंत तक अंत में उन्होंने क्या किया बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया खोजा और उनको यूज करना शुरू कर दिया अपनी रोज एवरी डे मीन्स रोज नीड्स मतलब जरूरतों को फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है इसका वुड वॉज यूज फॉर कुकिंग हंटिंग एंड हीटिंग सॉरी कुकिंग हीटिंग एंड मेकिंग टॉयज एंड फर्नीचर अब वुड का इस्तेमाल कैसे करते थे वो वो वुड को यूज़ करते हैं वुड होती है लकड़ी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे कुकिंग में खाना पकाने में हीटिंग में मतलब सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठते थे और टॉयज बनाते थे खिलौने बनाने लगे और फिर बाद में अब उससे फर्नीचर बनाते हैं जैसे कुर्सी है सोफ़ा है ठीक है तो इस तरह से उसका यूज़ होने लगा किसका नेचुरल रिसोर्स का नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट अवर टॉपिक इज इम्पॉर्ट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस इम्पोर्टेंस यानी उसकी अहमियत क्या है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो क्यों जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए सनलाइट एयर एंड वॉटर आर मोस्ट एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस तो सनलाइट एयर और वाटर बहुत ही आवश्यक असेंशियल यानी आवश्यक या जरूरी नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए दीज रिसोर्सेस हेल्प प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव एण्ड ग्रो अब ये रिसोर्स हेल्प करते हैं मदद करते हैं प्लांट्स को एनिमल्स को और हमें जिंदा रहने में और बढ़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं बढ़ने में हेल्प करते हैं कौन से रिसोर्सेस सनलाइट एयर एंड वाटर सनलाइट से हमें हीट एंड लाइट मिलती है एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिस जो हम सांस लेते हैं और क्या था वाटर हम पीते हैं ठीक है जिससे हमें एनर्जी मिलती है पानी बगैर नहीं रह सकते ना एक्टिविटीज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल अब वो एक्टिविटीज वो काम जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके कर रहे हैं या उस पर कर रहे हैं वो क्या वो क्या दे रहा है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को रोजगार दे रहा है मतलब अपनी जीविका चलाने का साधन जैसे एग्जाम्पल है बेटा इसका फार्मिंग जैसे खेत खेती कर रहे हैं लोग पैसा कमा रहे हैं खेतों से जिसका अपना जिससे अपना वो जीवन चला रहे हैं फिशरीज फिश पकड़ते हैं बेचकर आते हैं माइनिंग यानी खान खोदना ठीक है तो ये उनका काम हो गया रोजगार हो गया जो वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं इफ अ कंट्री है सरप्लस रिसोर्सिस इट कैन ट्रेड दैम विद अदर कंट्रीज अगर बेटा एक कंट्री के पास सरप्लस यानी आवश्यकता से ज्यादा रिसोर्स है तो वो उसको ट्रेड में यानी व्यापार में यूज कर सकती है यानी दूसरे कंट्री को बेच सकती है अगर ज्यादा है तो बेचा जा सकता है है ना फॉर एग्जाम्पल इंडिया है सरप्लस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस लाइक कोल विच इज ट्रेड विद विच इज ट्रेड विद अदर कंट्रीज अब इंडिया के पास सरप्लस क्या है मिनरल यानी खनिज रिसोर्स खनिज है कौन सा कोल जो कि वो दूसरे देशों को बेच रही है यानी एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया हैज फिफ्थ लार्जेस्ट ये फोर्थ लिख रखा बेटा इसको काट के फिफ्थ कर लेना फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड इंडिया का तो फिफ्थ लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है कोल का भंडार है इंडिया में वर्ल्ड का ठीक है पूरे वर्ल्ड का तो फर्स्ट कौन सा है फर्स्ट बेटा Uh, सबसे ज्यादा कोल किसमें है यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड रशिया में थर्ड ऑस्ट्रेलिया में फोर्थ चाइना में और फिफ्थ नंबर पे इंडिया आता है ठीक है जिसमें सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है नेक्स्ट इज फर्टाइल सॉइल एंड वाटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वराइटी ऑफ क्रॉप मतलब बेटा फर्टाइल होता है उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी और जो पानी है वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन में किसके वरायटी मीन्स अलग अलग टाइप्स के क्रॉप में यानी फसलें उगाने में अलग अलग तरह की फसलें उगाने में हेल्प करते हैं सॉइल और वॉटर फॉरेस्ट प्रोवाइड विद मैनी रिसोर्सेज लाइक टिम्बर रबर एंड स्पाइसेस अ फॉरेस्ट हमें देते हैं प्रोवाइड मीन देना कौन कौन सी चीजें देते हैं टिम्बर टिम्बर होता लकड़ी, रबड़ और यानी, मसाले हमें कहां से मिलते है कहापर ओर एंड बोक्साइड और कॉपर ओर ये बॉक्साइट आयरन कॉपर बॉक्साइट क्या है मिनरल है खनिज है और, और बेटा जिनसे हमें वो मिलते हैं जैसे पत्थर में होते हैं ये तो उस पत्थर से हमें मिले तो वो उसका और हुआ ठीक है जहां से वो मिलते हैं वो उसका और होता है तो ये एग्जाम्पल है मिनरल रिसोर्सेज के यानी खनिज के ठीक है उसके बाद पेट्रोलियम इज़ अ मिनरल दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड और मिनरल पेट्रोलियम वो मिनरल है वो खनिज है जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं यानी पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ये क्या है मिनरल है यानी खनिज है ठीक है बेटा टुडे वी हैव रेड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज So, Pita, read up to here. And if you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day.